आपके अपने चैनल ब्यूटी स्टाइल और कुदरत पर आपका स्वागत है और मैं हूँ कुदरत। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए एक ब्राइडल लुक क्रिएट की है। बहुत ही अफोर्डेबल जो है प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं। अगर आपको खुद को अपना मेकअप करना हो तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली अपना मेकअप घर पर ही कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस किया करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। अगर आप कमेंट करके मुझे बताते हो, मेरी वीडियोस को लाइक करते हो, तो मुझे और भी मतलब हौसला मिलता है कि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं फ्रेंड्स। और मेरी वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, अगर किया है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। लेट्स मूव ऑन टू आवर वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ओजी का आई प्राइमर ले रही हूँ ताकि मेरी जो आई शेडो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। तो इसको पहले मैं लगाऊंगी और फिंगर के साथ इसको ब्लेंड कर दूंगी ताकि जब तक मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी तब तक ये थोड़ा सा सेट हो जाए। तो इसके बाद मैं एले गर्ल का ब्रो पोमेट ले रही हूँ, मेरी शेड है डार्क ब्राउन। इसके साथ मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी। तो आप फ्रेंड्स डिफरेंस देख सकते हैं दोनों आईज़ में, दोनों आईब्रोज़ में। तो इसके बाद मैं स्पूली की हेल्प से इसको मैं मर्ज कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं मेबलिन का ब्रो मस्कारा ले रही हूँ, इसके साथ मैं अपने आईब्रोज़ को सेट कर लूँगी। एले गर्ल का मैं येलो करेक्टर ले रही हूँ, इसको मैं थोड़ा सा अपने बैक ऑफ माय हैंड लूँगी। उसके बाद मैं इसको आईलिड पे लगाऊंगी। इसके साथ ही मैं अपने जो आईब्रो है उसको मैं जो है नीट करूँगी, क्लीन करूँगी। तो मैं एक ब्रश की हेल्प के साथ इसको आईलिड पे लगाऊंगी एज यू कैन सी, और इसको मैं अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी। तो अब मैं यहाँ पर एले गर्ल का HD जो है लूज़ पाउडर वो ले रही हूँ। इसके साथ मैं अपने कंसीलर को सेट करूँगी ताकि क्रीज ना करे आई शेडो। उसके बाद मैं एले गर्ल का प्राइमर ले रही हूँ, HD प्राइमर है ये। प्राइमर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इतनी स्मूथ आपकी स्किन को कर देता है ये, बहुत ही अच्छा प्राइमर है ये। तो यहाँ पर मैं यू कैन बी का ट्वाइलाइट पैलेट ले रही हूँ। तो इसमें से पहले मैं सैफरॉन शेड ले लूँगी, इसको मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प के साथ अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँगी। इसको मैं अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी। फ्रेंड्स, मैं आपको जो आज ब्राइडल मेकअप सिखा रही हूँ ये बहुत ही आसान है, आप घर में इजीली कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर सेम पैलेट में से ये टर्किश डिलाइट शेड है, इसको मैं एक क्रीज का जो ब्लेंडिंग ब्रश है, प्रिसाइज ब्रश है, ओनली क्रीज के लिए होता है ये, उसके साथ मैं इसको कलर को जो है पिक करके क्रीज पे ही अप्लाई करूँगी। इसको मैं ब्लेंड करूँगी दोनों शेड्स को। यहाँ पर मैं एले गर्ल का जेल लाइनर ले रही हूँ, इसको मैं अपने आउटर वी पर फोकस करते हुए अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर मैं जैकलिन हिल का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, उसमें से मैं ये वाली ग्रीन शेड ले रही हूँ, इसको मैं जेल लाइनर के ऊपर अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ। तो पहले सिर्फ आपको कलर को है प्रेस करके लगाना है, तो उसके बाद इसको ब्लेंड करना है। अगेन मैं वही टर्किश डिलाइट वाली शेड ले रही हूँ, इसको मैं अगेन अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी और जो ग्रीन कलर है उसको मैं ब्लेंड करूँगी ताकि हार्श लाइन जो हैं वो ना दिखें। अगेन मैं येलो करेक्टर ले रही हूँ एले गर्ल का, उसके साथ मैं हाफ कट क्रीज करूँगी। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे हाफ कट क्रीज जो है वो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एले गर्ल का अगेन लूज पाउडर लेकर इस कंसीलर को सेट करूँगी। तो उसके बाद मैं फोकलूर के जो ट्वाइलाइट पैलेट है उसमें से मैं गोल्डन शेड ले रही हूँ, बहुत ही ब्राइट गोल्डन शेड है ये। तो इसको मैं अपने जो मैंने कट क्रीज किया है उसके ऊपर पहले मैं फिंगर की हेल्प के साथ अप्लाई करूँगी। तो उसके बाद मैं ब्रश की हेल्प के साथ इसको अप्लाई करूँगी और अच्छी तरह जो है अपने कट क्रीज को मैं नीट कर लूँगी। तो अगेन मैं एक ब्रश की हेल्प के साथ दोनों शेड्स को जो है मैं मिक्स कर दूंगी, इसको मैं ब्लेंड कर दूंगी ताकि सीमलेस लगे। तो अब मैं अगेन जो फोकलूर के पैलेट में से ब्लैक शेड ले रही हूँ, कलर का नेम है चिली, तो उसको मैं अपने आउटर वी पर फोकस करते हुए लगाऊंगी और इसको मैं ग्रीन शेडो के साथ ब्लेंड करूँगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं हैंडियन का जो है लिक्विड ग्लिटर ले रही हूँ, बहुत ही प्यारा ग्लिटर है, बहुत ही
अच्छा जो है ग्लिटर देता है, बहुत अच्छी पिगमेंट है इसकी, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्राइट है ये भी। तो इसको मैं जहाँ मैंने गोल्डन कलर अप्लाई किया था उसी के ऊपर मैं इसको लगाऊंगी, आप देख सकते हैं कितना ब्राइट है, कितना प्यारा गोल्डन कलर है इसका। तो यहाँ पर मैं फोकलुर का जो है पेन लाइनर ले रही हूँ, इसके साथ में एक विंग लाइनर जो है मैं वो क्रिएट करूँगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैं विंग लाइनर क्रिएट कर चुकी हूँ और मैंने दोनों आँखों पर अप्लाई कर लिया है विंग लाइनर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एले गर्ल का जो है ऑरेंज करेक्टर ले रही हूँ, इसके साथ मैं अपने माउथ के आसपास की जो डिस्कलरेशन है उसको ठीक करूँगी। पहले फिंगर की हेल्प से इसको लगाऊंगी और ब्लेंड करूँगी। तो मेरी चीक्स पे भी हल्के हल्के से मार्क्स हैं थोड़े थोड़े से, तो मैं वहाँ पर भी लगाऊंगी क्योंकि ये एक ब्राइडल मेकअप है, तो आई वॉन्ट के पूरा मेरा बेस मेकअप जो है सीमलेस लगे। तो इसको पहले फिंगर की हेल्प के साथ आपको ब्लेंड करना है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर अगेन एले गर्ल का HD जो लूज पाउडर है लेकर इसको मैं सेट करूँगी ताकि मेरी फाउंडेशन के साथ ये मिक्स ना हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं मेबलिन फिट मी का कंसीलर ले रही हूँ, इसको मैं अपने अंडर आइज पे पहले अप्लाई करूँगी ताकि जो मेरे थोड़े थोड़े डार्क सर्कल्स हैं वो भी कवर हो जाएं। तो यहाँ पर मैं निक्स का जो है इल्यूमिनेटर ले रही हूँ, जो भी शेड्स वगैरह है वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे, मेनली फोरहेड, चीक्स, नोज एंड चिन पर, ताकि जो मेरा बेस है वो नेचुरली जो है वो ग्लो करे। तो आपको इसे को ऐसे अप्लाई करना है डैब डैब करके। तो अब मैं यहाँ पर मेबलिन फिट मी की फाउंडेशन ले रही हूँ, ये फाउंडेशन बहुत ही मैट कर देती है आपके फेस को, तो इसलिए आपको पहले अपने फेस को अच्छी तरह मॉइस्चराइज करना होगा। तो इसको डॉट डॉट करके आप अपने फेस पर लगाएं, नेक पर लगाएं। तो ब्रश की हेल्प के साथ मैं इसको अच्छी तरह ब्लेंड करूंगी। ये फ्रेंड्स आपको लाइट लग रहा होगा लेकिन ये थोड़ी देर बाद जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसलिए हम जब भी इसको बाय करें आप थोड़ा सा अपनी शेड से एक टोन जो है एक शेड जो लाइट लें ताकि ऑक्सीडाइज होकर आपका फेस जो है काला ना पड़े। तो उसके बाद मैं एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ इसको अच्छी तरह ब्लेंड करूंगी ताकि कोई भी एक्स्ट्रा जो फाउंडेशन होगी वो इसके साथ जो है क्लीन हो जाएगी। तो उसके बाद अगेन मैं येलो करेक्टर ले रही हूँ एले गर्ल का, उसके साथ मैं अपने फेस को जो है हाईलाइट करूँगी। एज यूजुअल आप देख सकते हैं मैं कहाँ कहाँ हाईलाइट कर रही हूँ। तो आपको अपने फेस को हाईलाइट करना है ताकि जब आपके फेस पर लाइट पड़े तो आपका फेस जो है बहुत अच्छा सा लगे। तो उसके बाद आपको एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इस कंसीलर को जो है ब्लेंड करना है। अगर आप चाहें तो आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मुझे ज़्यादा जो है ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना अच्छा लगता है, ये परफेक्टली आपकी जो फाउंडेशन है या कंसीलर है अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर देता है। तो अब मैं अगेन एले गर्ल के जो लूज़ पाउडर के साथ में अपने कंसीलर को सेट करूंगी और थोड़ी की देर के लिए बेक करने के लिए भी इस पाउडर को मैं छोड़ दूंगी। आप देख सकते हैं मैं कैसे इसको लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सेम पैलेट में से, यू कैन बी के पैलेट में से टर्किश डिलाइट शेड को लेकर अपनी लोअर लैश लाइन पर इसको लगाऊंगी। तो अब मैं पाउडर ब्रश की हेल्प के साथ लूज़ पाउडर लूँगी और इसको मैं अपने फेस को सेट करने के लिए भी यूज़ करूँगी और जो मैंने बेक करने के लिए पाउडर लगाया था उसको भी मैं इसके साथ ही डस्ट आउट कर दूँगी। तो जहाँ जहाँ भी आपने फाउंडेशन अप्लाई की है वहाँ वहाँ आपको पाउडर भी अप्लाई करना है अपने बेस को सेट करने के लिए। अब मैं यहाँ पर फोकलुर का जो है हाइलाइटर एंड कंटूर पैलेट ले रही हूँ, जो शेड है मैं आपको मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके साथ आपको अपनी इनर कॉर्नर्स को जो है हाईलाइट करना है। तो इसके साथ ही मैं अपनी ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी। एज यू कैन सी ये हाइलाइटर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है इसके। तो अगेन मैं एले गर्ल का जेल लाइनर ले रही हूँ, इसको मैं अपनी वाटर लाइन पे भी लगाऊंगी एंड लोअर लैश लाइन पर भी इसको लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने दोनों आँखों पर अप्लाई कर लिया है, कितनी प्यारी आँख लग रही हैं, आईज कितनी प्यारी लग रही हैं। अब मैं अगेन फोकलुर का वही पैलेट ले यूज़ कर रही हूँ, तो उसमें से कंटूरिंग वाली शेड यूज़ कर कर मैं फेस को जो है पाउडर कंटूर करूँगी। मैं यहाँ पर क्रीम कंटूरिंग जो है वो यूज़ नहीं कर रही हूँ, आई जस्ट वॉन्ट के जो नेचुरल सा जो फेस है वो लगे, ओवर ना लगे। तो अपने नोज़ को भी मैं एक प्रिसाइज ब्रश की हेल्प के साथ इसको भी कंटूर कर लूँगी।
तो आज ब्लश के लिए भी फ्रेंड्स मैं पैलेट ही यूज़ कर रही हूँ। इसमें से एमेथिस्ट एंड ट्वाइलाइट जो शेड्स हैं दोनों को मैं मिक्स करके जो है ब्लशर लगाऊंगी। आप देख सकते हैं जस्ट वॉन्ट नेचुरल। उसके बाद अगेन मैं पाउडर ब्रश की हेल्प के साथ दोनों को ब्लेंड कर दूंगी ताकि जो ज़्यादा सा ना लगे, ओवर ना लगे। तो अगेन मैं लूज़ पाउडर की हेल्प के साथ अपने कॉन्टोरिंग को थोड़ा सा जो है मैं शार्प करूंगी। तो आपको ऐसे लगाना है। तो उसके बाद पाउडर ब्रश के साथ इसको डस्ट आउट कर देना है। अगेन मैं वही हाइलाइटर पैलेट ले रही हूँ फोकेलोर का। इसके साथ अपने फेस के जो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं वहाँ पर मैं इसके साथ अपने फेस को हाईलाइट करूँगी। आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ कहाँ पर अपने फेस को हाईलाइट करूँगी। बाकी आप पर डिपेंड करता है आप कहाँ पर हाईलाइट अपना फेस करना चाहते हो। कभी कभी हम कुछ पॉइंट्स को जो है हमारे वहाँ हाईलाइट नहीं करते हैं, हमारी विश होती है जैसे हमें अच्छा लगता है। तो अब मैं अपने आईलैशेस को कर्ल करूँगी और मैं यहाँ पर जो है मेबलिन का मस्कारा ले रही हूँ। उसके साथ मैं अपने अपर लैशेस एंड लोअर लैशेस को कोट करूँगी। तो यहाँ पर मैं हुडा की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैं लिपस्टिक लगाई थी उसके ऊपर मैंने ग्लॉस लगाया था। तो जो शेड है जो भी है मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं यहाँ पर किस ब्यूटी की सेटिंग स्प्रे के साथ, ये HD सेटिंग स्प्रे है, इसके साथ मैं अपने फेस को सेट कर लूँगी। तो हेयर इज़ द फाइनल लुक फ्रेंड्स। आपको ये लुक कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट की वेट करूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें एंड लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल।